गलवान की घाटी में साल 2020 में शहीद हुए गणेश हांसदा की जीवनी पर बनी फिल्म गलवान वीर द फाइटर गणेश हांसदा का ट्रेलर 16 जून को गणेश के दूसरे शहादत दिवस पर गणेश के पैतृक गांव कशाफलिया में रिलीज किया गया। ये फीचर फिल्म दो भाषाओं संताली और हिंदी में बनी है। इसके डायरेक्टर सुरेंद्र टोटो हैं, जिन्होंने सुपरहिट संताली फीचर फिल्म सात महीने को भी डायरेक्ट किया है, साथ ही लीड रोल भी बखूबी निभाया है, जबकि गणेश का किरदार उसके बड़े भाई दिनेश ने निभाया है। आपको बता दें कि फिल्म के हिंदी वर्सन में गणेश के किरदार के लिए अपनी आवाज दी है मुंबई के जाने माने वॉइस आर्टिस्ट सांकेत महात्रे ने, जो साउथ की फिल्मों के साथ साथ हॉलीवुड और कार्टून फिल्मों में अपनी जानदार आवाज देने के लिए जाने जाते हैं। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा, उसकी ताकत मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। श्री बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं हीरो नहीं हूँ, और देखा जाए तो दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट है। मैं वहाँ गोल पहाड़ी में नहीं रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी से प्यार आप करते हैं और भगा के मुझे ले जाने को कह रहे हैं। शहीद गरुण फिल्म्स के बैनर तले बनी इस बायोपिक में सेना के एक जवान के एक छोटे से जीवन काल की तमाम उन घटनाओं को दिखाया गया है जिनसे दर्शक रोमांचित तो होंगे ही बल्कि इंस्पायर भी होंगे। गणेश का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही गुजरा। स्कूल जाना, टीचर से मार खाना, बदमाशी करने पर माँ से भी पिटाई खाना, रोना हंसना सब कुछ। त्योहार का दिन, अन्य बच्चे पहने हैं नए कपड़े, लेकिन इन्हें सब लोग तो नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं पहन रहे, बोलो ना बाबा। गणेश में कुछ खास तो था, छोटी सी उम्र में उसके अंदर इतनी समझदारी, अपने माँ बाप की मदद करने का जज्बा। अरे अभी से दिखता मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सोचा मैं तुम्हारा हार्ट बता दूंगा। इतने पैसे नहीं कि ठीक से परिवार का गुजारा चल पाए, ऐसे में गणेश की पढ़ाई को लेकर भी दिक्कतें आने लगी, माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी, दोनों की परवरिश कैसे हो। कैसे तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए दोनों भाइयों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा। छोटे के पढ़ाई में पैसों की दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम्हारे काम में मैं भी हाथ बटाऊं। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में गणेश का एडमिशन कराया, फिर शहर में रिश्तेदार के घर पर रहना, जहां गणेश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, साइकिल से रोजाना चाकुलिया स्टेशन पहुंचाना और छोड़ना दिनेश का काम, फिर गणेश को मोटिवेट करना, NCC में गणेश का पसीना बहाना, इसी दौरान गणेश की जिंदगी में एक लड़की का आना, फिर उसका ठुकरा देना। ये बैंक में नौकरी करता है, तुम्हारा औकात भी है। दिनेश की लव लाइफ में ट्विस्ट, हंगामा और फिर शादी, घर में दोनों भाई की बॉन्डिंग, गणेश की अपनी भाभी से मजाक। भाभी को तुम ही लेके भाग जाओ। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी से प्यार आप करते हैं और भगा के मुझे ले जाने को कह रहे हैं। सच बात है ना? अभी थोड़ा केंदु प्याल जलते क्या बोलते हो? मैं कभी मांस मछली ही नहीं खाई हूँ, इसीलिए मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। आज के बाद तुम पूरी पूरी कढ़ाई चट कर जाओगी। गणेश की लाइफ में बड़ी तेजी से घटनाएं घट रही थी। सेना में बहाली के दौरान पहली कोशिश में नाकामी, फिर बड़े भाई का संघर्ष के लिए मोटिवेशन। तुम कसम खाओ एक दिन तुम कामयाब होगे जरूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिरकार कैसे मिले कामयाबी? 16 बिहार रेजिमेंट में पोस्टिंग, दानापुर में ट्रेनिंग, उसके बाद फौरन लद्दाख में तैनाती। कम फौजियों को ही मिलते हैं ऐसे मौके जो गणेश को सेवा की शुरुआत में ही मिले। गलवान की घाटी के लिए अपने रेजिमेंट के अफसरों और साथियों के साथ वो कुछ कर गया, जहां भारतीय सेना के जवान आखिरी सांस तक कैसे देश की आन बान और शान के लिए लड़ते रहे, फिर दी अपनी शहादत। ये एलएसी का था, दोनों देशों ने तय किया था, यहाँ किसी का भी कब्जा नहीं होगा। फिर ये टेंट कैसे? हमें ऊपर से ऐसा करने के लिए आदेश मिला। ये LAC है, भारतीय सीमा है, यहाँ किसी की भी दखलंदाजी नहीं चलेगी। हट यहाँ से, साले चीनी हमारे सांप जी को हाथ लगाएगा। इधर घर में जब यह खबर मिली तो दुखों का पहाड़ ही जैसे टूट पड़ा माँ बाप पर, बड़े भाई दिनेश पर भी।
हमेशा के लिए वो चला गया, सभी से दूर, बहुत दूर, जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। फिल्म गलवान वीर द फाइटर गणेश हांसदा के इस ट्रेलर में तो बस छोटी सी झलक आपने देखी, पूरी फिल्म में आप देख पाएंगे इसकी पूरी कहानी, हमेशा लड़ने का जज्बा रखने वाले इस फाइटर की संघर्ष की दास्तान।